कैसे हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या थी ब्लू स्टार की पूरी कहानी, ऑपरेशन खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा। एक जून 1984, यही वो तारीख है जब देश की एक ऐसी घटना भारत के स्याह इतिहास में दर्ज हुई जिसमें सिर्फ कत्लो गारत का मंजर ही नजर आया। ना जाने कितने मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ना जाने कितनी ही सुहागिनों की मांग सुनी हो गई। 1 से 8 जून 1984 तक इस कत्ले आम की कहानी जब भी कोई पढ़ता या सुनता है शरीर सहर उठता है और याद करता है उस पल को कि कैसे गोलियों और बमों की आवाज से पूरा अमृतसर गूंज उठा था। दरअसल बात ऑपरेशन ब्लू स्टार की कर रहे हैं जिसमें पवित्र हरमिंदर साहिब को लहूलुहान कर दिया गया था, और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस घटना को पूरे 39 साल हो गए हैं। भले ही इस घटना को 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन जब इस घटना का जिक्र होता है तो पूरी घटना आंखों के सामने घूम जाती है। दरअसल भले ही जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा था, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आगे चलकर देश को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। कहते हैं कि पंजाब के अशांत होने की यह कहानी कोई एक दिन में नहीं शुरू हुई थी, और भले ही इसके केंद्र में जनरल सिंह भिंडरावाले था, लेकिन शुरुआत सत्ता की उस महत्वाकांक्षा की वजह से हुई थी जिसमें जहर की काट जहर से की जाती है। कांग्रेस ने यही किया और ये कांग्रेस को इतना भारी पड़ा कि इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी। कहानी शुरू होती है आजादी के लगभग 25 साल पहले से। साल 1920 में शिरोमणि अकाली दल का एक संगठन बना। खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानने वाला यह संगठन मानता था कि सिखों का अपना देश होना चाहिए। साल 1930 में ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, तो पंजाब में भीतर ही भीतर ऐसी जनभावनाएं बनने बनाए जाने लगी कि सिखों के लिए सिख होमलैंड होना चाहिए। इस बात को मुखर रूप से कहने का मौका मिला साल 1940 में। दरअसल 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई। मौका देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग देश की मांग उठाना शुरू कर दिया। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सिखों का इतिहास में बारीकी से दर्ज किया है। वो लिखते हैं कि सिख मानने लगे थे कि अंग्रेजों के बाद पंजाब पर सिर्फ उनका हक है। खैर बात आई गई सी हो गई। 1947 में देश आजाद हुआ और पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया और खून खराबा हुआ सो अलग। बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए और पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। लिहाजा एक बार फिर भाषा के आधार पर फिर से ये मांग उठने लगी। इधर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। अकाली दल ने दाव देखा और पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी। इस स्ट्रेटजी को बड़ी सफलता मिली जब 1 नवंबर 1966 में उस वक्त के पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया था। कहते तो ये भी है कि एक तरीके से यहाँ सिखों की मांग पूरी हो गई थी, लेकिन पंजाब को अभी बहुत कुछ देखना था। साल 1977 उस वक्त जनरल सिंह भिंडरावाले को सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जत्थेदार बनाया गया था। उस दौरान पंजाब की राजनीति में भिंडरावाले बड़ा चेहरा हो चला था। अब उसे पंजाब की राजनीति में अकालियों को पछाड़ने के लिए मोहरा बनाया गया और ये काम ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने बखूबी किया, लेकिन भिंडरावाले मुसीबत बन गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि संजय गांधी ने भिंडरावाले को पैसे देने की बात मानी है। हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाले आतंकवाद का रास्ता चुन लेगा। इधर इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा। उस वक्त पंजाब में दरबार सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दे पर चली गई, वो मुद्दा जिसे 1973 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन से जाना जाता है, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांगे की गई थी।
अकालियों और दरबार सिंह सरकार में तनातनी चल रही थी कि पंजाब की राजनीति भाषा और धर्म की चंगुल में फंस गई। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जाने लगी थी। इस दौर में एक अखबार ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी, जिससे माहौल और खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिनमें भिंडरावाले भी था। इस बीच 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने उस अखबार के संपादक को गोली मार दी। इल्जाम जनरल सिंह भिंडरावाले पर भी आया। इस हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में जमानत मिल गई। भिंडरावाले पर राजनीति जारी थी कि एक बार फिर पंजाब की अलग देश मनाने की मांग जोर पकड़ लिया। हिंसा और खून खराबा बढ़ता जा रहा था। रिहाई के बाद भिंडरावाले भी तैश में था। इस बीच दिल्ली में एशियाड खेल का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था, जिसके विरोध में जनरल सिंह भिंडरावाले ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। तब सुरक्षा के नाम पर 1500 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद कट्टर सिखों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसका फायदा भिंडरावाले ने उठाया। नरमपंथियों की आवाज कमजोर पड़ने लगी। भिंडरावाले के बढ़ते हुए प्रभाव ने अकालियों को अलग थलग कर दिया। इस बीच पंजाब के DIG AS अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर कर दी गई। AS अटवाल की लाश घंटों स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रही और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उनकी लाश को मंदिर की सीढ़ियों से हटा सके। AS अटवाल के शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबार सिंह को जनरल सिंह भिंडरावाले से मिन्नत करनी पड़ी थी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने की सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे भिंडरावाले के हौसले बढ़ गए। पंजाब में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। अकाली दल भी मैदान में आ गए। 2 महीनों में 30,000 गिरफ्तारियां दी। मांग थी अनंतपुर साहिब के रेजुलेशन को पास करो। इस बीच 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जलंधर जा रही बस रोक लिया। बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुन कर मार डाला गया। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सरकार के हटने के बाद भी हालात नहीं बदले। पंजाब में हिंसा मारकाट जारी रही, मगर इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो। यहीं से सिख धर्म के हुक्मनामे जारी होते हैं। अकाल तख्त के कब्जे का विरोध हुआ, लेकिन भिंडरावाले ने परवाह नहीं की। हिंसा और मारकाट का दौर चलता रहा। भिंडरावाले चाहते थे कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। उधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उन्हें भी किसी फैसले पर पहुंचना था। तब 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई थी। सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ चुकी थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकवादियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई गोलियां हरमिंदर साहिब की तरफ भी गईं। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम गोली चलती रही। देर रात जनरल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। रक्षा मंत्री KP सिंह देव से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी।
तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।